देश से बाहर रह रहे हर स्कूल में पढ़ने वाले भारतीय बच्चे के लिए ये बड़ा गौरव का दिन था कि स्कूल में पढ़ने वाले सरकारी बच्चे, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपी है। मुझे लगता है इस पे तो हर एक को गर्व होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं, एक शब्द होता है अनपढ़, एक होता कुपढ़। इस तरीके की बेवकूफाना जाहिलियत, अनपढ़पना दर्शाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी बहुत पढ़ाई, थोड़ी बहुत विदेशों के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। इन्हें मालूम ही नहीं है ये किस अखबार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में आता है नाम न्यूयॉर्क टाइम्स का। जो लोग अमेरिका में गए हों, इनके यहां से भी कुछ लोग जाते हैं सरकारी टूर्स पर, उनको इसकी जानकारी होगी कि न्यूयॉर्क टाइम्स किस अखबार का नाम है। और ये लोग कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पे पेड न्यूज दे दी। पेड न्यूज छापता है कोई अखबार, और भी न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार फ्रंट पेज पे। पहली बात, न्यूयॉर्क टाइम्स एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड अखबार है। उस अखबार ने कभी आज तक एडवर्टोरियल छापने की कोई नीति नहीं है, वो एडवर्टोरियल नहीं छापता। मतलब एडवर्ट न्यूज की तरह दिखने वाली एडवर्टाइजमेंट भी वो अखबार नहीं छापता है, तो ना तो ये एडवर्टोरियल रहा। और फ्रंट पेज पे न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर छप रही है, भारत देश की खबर है, इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी वालों को खुश होना चाहिए था, उन्हें गर्व करना चाहिए कि हमारे देश की अच्छी बातें छप रही हैं, और वो कह रहे हैं कि ये पेड न्यूज है। अब पेड न्यूज का जहां तक सवाल है, इन्होंने कहा कि जो आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपा है पहले पेज पे, वो आर्टिकल एक खलीज टाइम्स करके यूएई के अंदर एक अखबार छपता है, उसके अंदर भी वो आर्टिकल छपा है। अब क्या अनपढ़ पन्ना यही होता है? इन्हें मालूम ही नहीं है कि अब एएनआई की कोई न्यूज है या पीटीआई की कोई न्यूज है, और पीटीआई की न्यूज जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में छप गई, और हिंदुस्तान टाइम्स में छप गई, और एक्सप्रेस में छप गई, और हैदराबाद के अंदर डेक्कन क्रॉनिकल के अंदर छप गई। करें अरे, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपाई, पैसे देके वहां डेक्कन क्रॉनिकल में आंध्र प्रदेश में छपाई, पेड न्यूज है। जितना दिमाग उतना ही सोच सकता है इंसान। इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, नेशनल टीवी पे आके झूठ बोलते हैं। देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसके ऊपर जिसने ये खबर लिखी है उसका नाम छपा हुआ है। विकास, क्या नाम लिखा हुआ है इसपे? करणदीप सिंह लिखा हुआ है। मैं चश्मा नहीं लाया इसलिए पढ़ता नहीं हूं, ये मैंने हाईलाइट किया है, करणदीप सिंह, न्यूयॉर्क टाइम्स फ्रंट पेज न्यूज, हिंदुस्तान के लिए गर्व की खबर। खलीज टाइम्स नाम लिखा हुआ है, वही नाम, और नीचे लिखा हुआ है, मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, खलीज टाइम्स में आर्टिकल के नीचे लिखा हुआ है कर्टसी न्यूयॉर्क टाइम्स। जैसे पीटीआई की खबर और एएनआई की खबर और यूटीआई की खबर, एजेंसी की खबर अलग अलग अखबारों में कर्टसी डाल के छापी जाती है, ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय अखबारों के बीच में इस तरीके का समन्वय होता है। इस तरीके की बहुत सारी कॉमन न्यूज होती है जो एक अखबार में छपती है और कई अखबारों में उसका क्रेडिट देके वो खबर छापी जाती है। और यहां पर तो राइटर ने नाम भी अपना दिया है, दोनों जगह नाम दिया है, उसी आदमी की खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर है, खलीज टाइम्स ने कहा कर्टसी न्यूयॉर्क टाइम्स,
ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। मतलब सास भी कभी बहू थी अगर सोनी पे आ रहा है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ये ज्यादा समझते हैं, और वो अगले महीने अगले साल किसी और चैनल पे आ गया कहेंगे तो पेड न्यूज है। ये क्या इनका तर्क क्या है मैं समझ नहीं पा रहा। अच्छा पेड की बात पे आ जाते हैं, हिंदुस्तान की सबसे अमीर पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी है, ये खुद बताते हैं। इनको जितनी डोनेशन मिलती है उससे ज्यादा डोनेशन किसी के पास नहीं। भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में इनका ऑफिस है, और छोटा मोटा ऑफिस नहीं है, फाइव स्टार होटल जैसा ऑफिस है इनका। नोटबंदी के समय में इनके ऑफिस बने, ईश्वर जानता है कैसे बने। इनके पास इतना पैसा है, भारतीय जनता पार्टी वालों के पास पैसा है। भाई तुमने क्यों ना छपा लिया 8 सालों में खबर अपनी पेड न्यूज? आप तो मास्टर हो पैसा देने में, पैसा आपके पास है, आपने क्यों नहीं छपवा ली? एक छपी थी मोदी जी की इसके अंदर, अब मैं बताना नहीं चाहता कि उसमें मोदी जी के बारे में क्या लिखा था। आप छपवा लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स वालों से हमने संपर्क किया और सुबह से न्यूयॉर्क टाइम्स वाले इतना परेशान है, ये लोग बार बार न्यूयॉर्क टाइम्स के यहां फोन कर रहे हैं, अलग अलग माध्यमों से फोन करा रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी खबर भी न्यूयॉर्क टाइम्स छाप दे, इनकी फोटो न्यूयॉर्क टाइम्स छाप दे, इनकी कोशिश चल रही है। पैसे का ऑफर दिया जा चुका है, $1 million देंगे हमारी खबर छाप दो। मैं चैलेंज देना चाहता हूं अपने मित्रों को, आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं। हमारी तो छोटी सी पार्टी है, 8 साल पुरानी पार्टी है, हमारा न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर छप गई। खबर से बड़ी बात यह है, और खबर में इतनी खुशी नहीं हुई मुझे जितनी खुशी इनके पेट के दर्द से हुई मुझे, कि इनके पेट में इतना दर्द हो गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आम आदमी पार्टी की खबर छप गई। मैं इनको चैलेंज देता हूं, इनको चुनौती देता हूं, आपके पास जितना पैसा है आप उड़ेल दीजिए, आप में जितनी ताकत है आप अपनी ताकत लगा लीजिए, कल आप अपनी खबर छपवा के दिखा दो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे, हम भी मान जाएंगे। भाई अगर पेड न्यूज है तो आपके पास तो पैसा हमसे बहुत ज्यादा है, आप छपवा के दिखा दो। विश्वगुरु की फोटो कल आप छपा दो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। ये खुली चुनौती भारतीय जनता पार्टी को मैं देके जा रहा हूं। मुझे बहुत दुख है इस बात का, जिस बात पे भारतीय जनता पार्टी को फक्र होना चाहिए था, देश के हर नागरिक को फक्र होना चाहिए था, दुनिया के कोने कोने में बैठे हिंदुस्तानी को फक्र हो रहा है कि जहां अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारत की गरीबी की खबरें छपा करती थी, भारत में हो रहे बलात्कारों की खबरें छपा करती थी, भारत की बुराइयों की खबरें छपा करती थी, भारत की सरकार की नाकामियों की खबरें छपा करती थी, और वहां रह रहे भारतीयों का सर नीचा हुआ करता था, आंख नीची हुआ करती थी, आज उस अंतर्राष्ट्रीय अखबार के अंदर भारत के एक राज्य दिल्ली में हो रही शिक्षा क्रांति की खबर छपी है, भारत के सरकारी स्कूलों के क्लासरूम की खबर छपी है।